इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत। मोदी बोले, केरल और कर्नाटक में इज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, किसानों को भी होगा फायदा। 88 साल के हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके दी जन्मदिन की बधाई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई देने पहुंचे उनके घर। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। लैंड यूज में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज। यूपी में चल रहा कोविड वैक्सीन का ड्राई रन, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। SGPGI और KGMU में अभियान जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्करों को लगाई जाएगी वैक्सीन, इसके बाद आवश्यक सेवाओं के लोगों को और फिर 50 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। मेरठ में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का बढ़ता खतरा। कोरोना वायरस से संक्रमित 4 लोगों में COVID-19 के नए स्ट्रेन की पुष्टि। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। उड़ीसा में धीरे धीरे कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 198 नए केस आए सामने, 2 की मौत। प्रमोशन में आरक्षण पर अखिलेश यादव का यूटर्न। अखिलेश से लेकर मुलायम तक ने प्रमोशन में आरक्षण का किया था विरोध। दलित समीकरण साधने का प्लान। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जोरों पर। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का लगाया आरोप, तो वहीं टीएमसी नेताओं का आरोप कि बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे रहे थे गाली। शिवराज कैबिनेट की बैठक, सीएम शिवराज बोले, मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक जिम्मेदारी होगी तय, सख्त मॉनिटरिंग का बनेगा सिस्टम। दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी खींचतान। सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत रही बेनतीजा। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से होगी बात। मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार अजय त्यागी गिरफ्तार। पुलिस ने अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का रखा था इनाम। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ NSA लगाने का दिया आदेश। मुरादनगर मामले में पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के दिए गए निर्देश। साथ ही मृतक परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और इनमें आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के दिए गए निर्देश। सौरभ गांगुली को अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। अगली एंजियोप्लास्टी पर फैसला टला। सीने में दर्द के चलते अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अडानी की कंपनी ने रोके गांगुली के सेहतमंद तेल वाले विज्ञापन। गांगुली की तबीयत खराब होने के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी के विज्ञापनों का उड़ाया जा रहा था मजाक। देश के कई राज्यों में फैल रहा बर्ड फ्लू। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत। राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिया आड़े हाथों। पप्पू यादव ने कहा, उन्हें लव जिहाद कानून से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी आड़ में देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो गलत। ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ कर रहे 4 युवकों ने लहराया भगवा झंडा। CISF ने युवकों को किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। महाराष्ट्र के धुले में लाइव स्ट्रीमिंग कर सुसाइड कर रहा था युवक। फेसबुक हेडक्वार्टर के अलर्ट करने पर बची युवक की जान। शामली में बुजुर्ग की मौत के मामले में 4 पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज। 3 लाइन हाजिर, बुजुर्ग का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। शशि थरूर ने की घरेलू महिलाओं को सैलरी देने की वकालत। अभिनेत्री कंगना बोली, हर चीज में बिजनेस देखना बंद करें। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी। टीम इंडिया को झटका, KL राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर। बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाइक कलाई में आई मोच। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में भी वर्कआउट करती रही अनुष्का शर्मा, ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते आई नजर। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।